अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक L35C का रिसीवर है। इसमें फॉल्ट ये है कि ये रेड लाइट शो करा रहा है। तो आज हमने इसका ये जो रेड लाइट का फॉल्ट है वो क्लियर करना है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोकर और आप देख रहे हैं अमी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों के पास इसकी अक्सर अरे रेजिस्टेंसों में फॉल्ट आ जाता है और रेड लाइट का फॉल्ट आ जाता है अरे रेजिस्टेंस की वजह से, तो उनके पास अरे रेजिस्टेंस ना होने की वजह से वो मुकम्मल जो रिसीवर है वो डेड कर बैठते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक कराऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके जो अरे रेजिस्टेंस ख़राब है उसका हम बताएंगे कि आपने उसका क्या करना है। तो पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये है जी हमारे, ये है जी 5 वोल्टेज और इसके आगे ये ग्राउंड है, इसके आगे ये इसके 15 वोल्टेज और इसके आगे ये इसके 21 से 22 वोल्टेज, ये देख सकते हैं 20.8 वोल्टेज है। तो ये इसकी जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके आगे हमने इसके ये जो छोटे रेगुलेटर हैं इनके वोल्टेज चेक करने होते हैं। यहाँ पर हमारे 1.8 वोल्टेज होते हैं, तो ये आप देख सकते 1.79 वोल्टेज आ रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा एक 1.1 वाला रेगुलेटर होता है, तो यहाँ पर एक 1.3 आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हमारा ये एक रेगुलेटर है, तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पर 3.34 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी जो अरे रेजिस्टेंस है उसमें फॉल्ट है, तो इसकी जो ये 5 अरे रेजिस्टेंस हैं ये मैंने चेक की हैं। ये जो इसकी हैं 5 अरे रेजिस्टेंस हैं, तो ये मैंने इसकी सभी चेक की हैं। इनमें से इसकी जो ये वाली अरे रेजिस्टेंस है इसकी ये 4 पॉइंट होते हैं, तो इनमें से इसकी ये वाली जो अरे रेजिस्टेंस है वो ख़राब है। ठीक है जी, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो इसका आपने क्या करना है, आपने इसको शॉर्ट कर देना, इसको आपने ओपन कर देना है और पेस या फिर ग्रोजी की मदद से आपने इसके आपस में शॉर्ट कर देना है। तो आपने शॉर्ट किस तरह करना है, पहले हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे और फिर इसको ओपन करके शॉर्ट आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह आप इसको शॉर्ट करके ऑन कर सकते हैं रिसीवर। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो फॉल्ट है अरे रेजिस्टेंस का है और ख़राबी अरे रेजिस्टेंस है, इनमें से कोई भी हो सकती है, उनकी एक हो सकती है रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस से मिलकर एक बनती है। ठीक है जी, ये 4 रेजिस्टेंस होती हैं एक साथ लगी होती हैं। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं और फिर इसको ब्रोजर या फिर पेस्ट की मदद से शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट हम किस तरह करेंगे वो भी आपको मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने इसको शॉर्ट जो करना है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसके के साथ शॉर्ट करना है, फिर इसके आगे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस तरह आपस में शॉर्ट करना है, ना कि इस तरह एक साथ इस तरह लाइन में शॉर्ट करना है।
ये गलत तरीक़ेकार है, आपने इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ शॉर्ट करना है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो रे रेजिस्टेंस हमने उतार कर इसके जो पॉइंट है वो सभी बिल्कुल लगा दिए हैं। जिस तरह ये मैंने लगाए आपने इसी तरीके से ही इसको लगाना है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई पॉइंट आपस में मैच नहीं है। तो ये ना फिर आप इसकी जो ये जंपरिंग करने के दौरान आप इसको कार्ड का जो नीचे प्रिंट है वो इन्हें ख़त्म कर दें। ये आपने एहतियात से लगाना है, इस तरतीब से आपने लगाना है कि काफ़ी दोस्त पूछते थे कि हमने किस तरतीब से इसको लगाना है, तो आपने इस तरतीब से लगाना है। तो अब हम इस रिसीवर को ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर ऑन हो गया है, ऑन इसने लिख दिया है। तो आगे भी चेक करते हैं कि स्टार्ट वगैरह या कोई जीरो मेन्यू वगैरह शो कराता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं 0:32 इसने शो करा दिया है और कीपैड भी वर्क कर रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि रोज़ ही एक ही सेम फॉल्ट आते हैं और सेम ही फॉल्ट के ऊपर रोज़ ही रेड लाइट या फिर ऑन के ऊपर रुकने वाले के बार बार वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप थोड़ा सा चेंज करके चंद दोस्त ये पूछते थे इसलिए ये मैंने कर दिया। अल्लाह हाफिज़।